हेलो शेर, तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या? सपोज कर एक ब्लॉक है जो किसी सरफेस पर रखा हुआ है। ये सरफेस हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ये सरफेस को इंक्लाइन हो सकता है, किसी भी इंक्लिनेशन एंगल का इंक्लाइन हो सकता है, या कैसा भी सरफेस हो सकता है। बट मैंने हॉरिजॉन्टल दिखा दिया, बट इट नॉट मीन कि ये हॉरिजॉन्टल ही है, किसी भी एंगल का इंक्लिनेशन एंगल का सरफेस हो चलेगा। आपने इस पर फोर्स लगाया, ये जरूरी नहीं कि फोर्स आप हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो कि किसी एंगल पर लगा रहे हो, फोर्स लगाया है। जब फोर्स लगाओगे ना इस पर, तो यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स पीछे को रहेगा, जो कि इस ब्लॉक को इस सरफेस पे स्लाइडिंग को स्टॉप करेगा, ओके। और इधर का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बेसिकली वो इस फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को होगा। अब जितना तुम फोर्स लगाओगे उतना ही इस फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी बिफोर स्लाइडिंग स्टार्ट। बिकॉज तो मैं ये कह रहा था कि जब इस फोर्स बढ़ाओगे तो यहाँ का फ्रिक्शन ही बढ़ेगा जब तक यहाँ स्लाइडिंग ना हो जाए। तो जस्ट स्लाइडिंग के पहले जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, और कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन या फ्रिक्शन, इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ये होगा, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स एफसी। तो ये एफसी नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है ना, दिस एंगल थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन कैसे किया गया? एंगल मेड बाय कॉन्टैक्ट फोर्स विथ नॉर्मल रिएक्शन, विथ नॉर्मल रिएक्शन अंडरलाइन है, कई जगह वर्टिकल लिखा होता है, हटा देना दिमाग से, नॉर्मल रिएक्शन अंडरलाइन है। एंगल मेड बाय कॉन्टैक्ट फोर्स विथ नॉर्मल रिएक्शन एट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ दैट सरफेस। तो किसी भी सरफेस का, चाहे वो इंक्लाइंड हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, उस सरफेस का अगर कोई पूछता है कि इंक्लिनेशन एंगल क्या है, तो इंक्लिनेशन एंगल इज एंगल मेड बाय कॉन्टैक्ट फोर्स विथ नॉर्मल रिएक्शन एट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में तुम लिख सकते हो टैन थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। अच्छा, ये जो लेंथ है वो FR है, फ्रिक्शन है, और ये लेंथ क्या है? N है, दिस इज। और एट टाइम ऑफ स्लाइडिंग इस फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो लिमिटिंग के पावर पहुंच जाएगी। जब ये ब्लॉक इस सरफेस से स्लाइड करने वाला होगा उस समय ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन को टच करेगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है दिस इज μs इंटू एन। इसको टाइप यहाँ प्लेस कर दें एट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, यहाँ क्या लिखेंगे? μs इंटू एन डिवाइड बाई एन, एन सेन कर दिया। इससे थीटा की वैल्यू क्या आ गई? इट इज टेन इनवर्स μs, एंड दिस इज, दिस थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है, कि इंक्लिनेशन एंगल है चाहे जो भी हो, जब स्लाइडिंग का कंडीशन आएगा उस स्लाइडिंग के टाइम पे कॉन्टैक्ट फोर्स जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। गॉट इट? इस चीज को ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स μs, ओके। हम इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, एंगल 37 डिग्री है, ये ब्लॉक इज अबाउट टू स्लिप, फाइंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्लॉक इज अबाउट टू स्लिप का मतलब कि जस्ट स्लिप करने वाला है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कि जस्ट स्लिप करने वाला है उस समय कॉन्टैक्ट फोर्स का एंगल नॉर्मल रिएक्शन से। तो मैं उस कॉन्सेप्ट को सोचूं? नहीं, इससे बेटर है, मैं बताता हूँ क्या। मैं अच्छे जानता हूँ चाहे सरफेस हॉरिजॉन्टल हो चाहे इंक्लाइन हो चाहे जो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा कुछ और नहीं होता है, टेन इनवर्स μs होता है, बाकी कुछ नहीं। तो मेरा दिमाग कहाँ काम कर रहा है? μs की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो जब पूछेगा फाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिमाग कहेगा फॉर्मूला क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या करेंगे जान के। मैं जानता हूँ कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेन इनवर्स μs होता है,
देन हम कहाँ फोकस करें, मीवर्स पे। तो इस सरफेस का मीवर्स निकालेंगे, मीवर्स के लिए इसके एबीडी बनाएंगे। एबीडी बनाएंगे, नॉर्मल एक्सिस पर दिखाओ, इसका वेट 10g नीचे एंड फ्रिक्शन फोर्स पीछे। फ्रिक्शन फोर्स कितना लिखेंगे, एट टाइम ऑफ स्लाइडिंग मीवर्स इनटू एयर। जब ये स्लाइडिंग कर रहे हैं कंडीशन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग पे काम कर रहा होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू एस एन। आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करो। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लिखोगे, 100 cos 37 डिग्री माइनस म्यू एस एन इक्वल टू जीरो, जस्ट स्लाइडिंग मतलब एक्सेलरेशन जीरो। वर्टिकल फोर्स बैलेंस करो, एंड 100 के एक कंपोनेंट कितना आएगा, 100 साइन 37 डिग्री वर्टिकल कंपोनेंट्स, 10g नीचे इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर टू, दो इक्वेशन, दो अनोन है, एक एन अनोन है, एक म्यू एन अनोन है। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। एन कितना आएगा आप बता सकते हो, बनेगा एन प्लस, ये बनेगा 3/5, 5 मतलब बनेगा 60, बनेगा माइनस 100 इक्वल टू जीरो। एंड व्हाट इज एन, एन इज 40। उठा के यहाँ प्लेस कर दो, ये बनेगा 4/5, ये बनेगा 80, 4/5 80 यहाँ से आएगा। आई इसको इधर भेज दो, बनेगा म्यू एस इन टू, एन कितना है 40, इससे म्यू एस क्या आएगा, इट इज 2। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 10 इनवर्स म्यू एस, एंड दिस इज 2, एंड दिस इज आंसर। बात समझ में आई मैंने क्या किया। तो जब भी क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताइए, कुछ नहीं सोचना है, म्यू एस निकालो, सॉल्व एंड फाइन आंसर, गॉट इट। चलिए स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान देना। करें एक ब्लॉक है, इसका मास है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे एक फोर्स लगा हुआ है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ मिनिमम सो दैट ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग। मतलब इस ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए मिनिमम कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट पार्ट है थीटा जीरो डिग्री हो, सेकेंड पार्ट है थीटा थीटा के बराबर हो, थर्ड पार्ट है ऑल्सो कैलकुलेट मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ मिनिमम टू स्टार्ट स्लाइडिंग। मतलब इस एफ मिनिमम की जो वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर थीटा पे, उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ब्लॉक स्लाइडिंग शुरू कर दे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। कुछ नहीं सोचना है, क्या करेंगे, स्लाइडिंग के टाइम पे फ्रिक्शन जो होगा वो कितना काम करेगा, म्यू एस इंटू एन के बराबर काम करेगा। नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की ओर, एम जी नीचे की ओर, एम जी नीचे, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस एन एफ एस एन लिख लिया। तो ये एफ मिनिमम होगा, अगर एफ मिनिमम होगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होगा उस टाइम पे। हॉरिजॉन्टल फोर्स जब जीरो हो रहा होगा इसका मतलब कि एफ मिनिमम का जो कंपोनेंट होगा इसके बराबर होगा, तो ब्लॉक स्लाइडिंग करने के कंडीशन पाएगा, स्लाइडिंग करने के कंडीशन पाएगा, सही है, स्लाइडिंग करने के कंडीशन पाएगा। उससे अगर हल्का से ज्यादा एफ मिनिमम इस जो वैल्यू आएगी उससे हल्का से ज्यादा लगा दिया तो ब्लॉक आगे को स्लाइड कर जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, एफ मिनिमम के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करो, इसका ये कंपोनेंट ये बनेगा एफ मिनिमम कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आएगा, एफ मिनिमम इसको ऐसे रहता है, क्वेश्चन नंबर वन, फिर वाई में फोर्स बैलेंस करो, बनेगा एन प्लस एफ मिनिमम साइन थीटा, एन प्लस एफ मिनिमम साइन थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर टू, अब क्या करो, यहाँ से n उठाओ, यहाँ प्लेस कर दो, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन से n की वैल्यू आएगी एम जी माइनस एफ मिनिमम साइन थीटा, इसको उठा के यहाँ पर रख दो, तो इससे बनेगा एफ मिनिमम कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू एस एन, और एन ए उठा दो, बनेगा एम जी माइनस एफ मिनिमम साइन थीटा। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको इससे इसको इधर भेजो, तो इससे आएगा एफ मिनिमम कॉमन बनेगा, तो बनेगा कॉस थीटा यहाँ से, और यहाँ से म्यूएस साइन थीटा इधर आके प्लस बना देगा म्यूएस साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू म्यूएस एम जी।
यहाँ से एफ मिनिमम की वैल्यू आएगी म्यू एस एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। तो इस वैल्यूज को मैं कहीं और लिख लूँ ताकि आपको आंखों से दिखाई दे सके। यहाँ से जो एफ मिनिमम आएगा दिस वन इज म्यू एस एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया था पहला पार्ट कि अगर थीटा जीरो डिग्री है, थीटा जीरो का मतलब अगर ये फोर्स हॉरिजॉन्टल होगा तो मिनिमम कितना फोर्स होना चाहिए। तो इस फंक्शन में थीटा के जीरो प्लेस करो, जीरो प्लेस करोगे यहाँ पे जीरो तो साइन जीरो जीरो ये पूरा जीरो हो गया और कॉस जीरो वन तो वैल्यू क्या आएगी एफ मिनिमम बराबर म्यू एस एम जी आ गया मिनिमम फोर्स। इसका मतलब अगर ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है और इस ब्लॉक को स्लाइड करवाना है तो मिनिमम फोर्स क्या होना चाहिए म्यू एस एम जी, और किसी पर्टिकुलर थीटा पे हो तो आंसर ये होना चाहिए। अब अगले पार्ट में ही कह रहा है थर्ड पार्ट में कि ऑल्सो कैलकुलेट मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ मिनिमम, मतलब ये जो एफ मिनिमम आया ना इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। इसका मतलब है इस थीटा के साथ अगर थीटा जीरो प्लेस करोगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, थीटा को 30 प्लेस करोगे वैल्यू कुछ और आएगी, थीटा को 60 प्लेस करोगे वैल्यू कुछ और आएगी, हर बार वैल्यू चेंज हो रही है। इन सब में सबसे कम क्या होगा वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कहलाएगी। तो अब मैं बताता हूँ, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है म्यू एस एम जी, थीटा बदल रहा है ना, इसकी मिनिमम पॉसिबल निकालने के लिए तो इसकी मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब इसकी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, इसकी वैल्यू आएगी मैक्सिमम, जब ये बढ़ेगा तभी तो पूरी वैल्यू घटेगी। और ये है बेसिकली अगर इसको सही से देखें तो है क्या ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा जैसा है और ये यहाँ पे वन होगा और बी यहाँ पे म्यू एस होगा, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है मैं आपको मैथमेटिकल टूल में बता चुका हूँ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो एफ मिनिमम की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आएगी, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू वो कितनी आएगी म्यू एस एम जी डिवाइड बाई और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ इसका कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशियंट का स्क्वायर, इट इज वन प्लस म्यू एस स्क्वायर एंड दिस इज आंसर। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो है म्यू एस एम जी डिवाइड बाई रूट वन प्लस म्यू एस का स्क्वायर। रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी ब्लॉक को रखा गया है और कोई पूछे कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फोर्स कितनी है ताकि वो ब्लॉक स्लाइड कर जाए तो उसकी वैल्यू इतनी है। और आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है वो म्यू एस एम जी से कम है। क्यों कम है? क्योंकि नीचे की जो वैल्यू है वन से ज़्यादा है। इसका मतलब एक ब्लॉक को अगर तुम्हें खींचना है ठीक है तो जो फोर्स लगाना होगा कम से कम फोर्स अगर लगाना चाहते हो तो फोर्स एक एंगल पे लगाना चाहिए, ये ना कि हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लगाओगे तो म्यू एस एम जी आएगा और एक एंगल पे लगाओगे पर्टिकुलर एंगल पे तो वो जो फोर्स होगा वो इतना आएगा और इतने ही फोर्स ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। और ये किस एंगल पर आएगा? बेसिकली वो कुछ और नहीं होता है, वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। कि अगर ये फोर्स जो लगा हुआ है एंगल ऑफ फ्रिक्शन लग गया तो ये ब्लॉक मिनिमम फोर्स से स्लाइड कर जाएगा। वो क्यों होगा बताता हूँ भाई, इसी की तो मैक्स निकालना है, इसको तुम वाई मानो, वाई इज कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। अब वाई को मैक्सिमाइज करना है क्योंकि जब इसको मैक्सिमाइज करोगे तभी तो मिनिमम आएगा, और वाई को मैक्सिमम करना है और वाई थीटा का फंक्शन है, इसका मतलब वाई मैक्सिमम पे डी वाई बाई थीटा क्या रहेगा जीरो, वाई मैक्सिमम पे डिफरेंशिएशन जीरो करो, इसको जीरो करोगे तो यहाँ क्या आएगा जीरो इज इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा माइनस साइन थीटा प्लस मीवस और साइन का क्या बनेगा कॉस थीटा, तो डिफ्रेंशिएट कर दो तो इसको इधर भेजोगे तो क्या बनेगा साइन थीटा इक्वल्स टू मीवस कॉस थीटा, फिर कॉस डिवाइड करो तो क्या जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू मीवस एंड देन थीटा इज टेन इनवर्स, इसको ऊपर लिख दो टेन थीटा इज मीवस। अब यहाँ से अगर यहाँ पर लिखोगे तो थीटा क्या आएगा टेन इनवर्स मीवस, और यही क्या है एंगल ऑफ रिपोज है। तो ये कहा जाता है कि अगर कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है और आपको मिनिमम फोर्स से उसको खींचना है तो वो फोर्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर लगना चाहिए और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए म्यू एस एम जी डिवाइड बाई रूट वन प्लस म्यू एस स्क्वायर, गॉट इट ओके। तो दिस फोर्स इज अप्लाइड एट दिस एंगल
देन दिस ब्लॉक विल बी स्लाइड विद मिनिमम फोर्स। अब मैं एक बात बताता हूँ, ये कहा जाता ना बोर्ड के लिए पुश एंड पुल, पुल है ये, पुल है मतलब एक ब्लॉक है उसको तुम ऐसे खींच रहे, पुल है, और पुश का मतलब तुम ऐसे धक्का मार रहे। तो एक बोरी को रख दो, गेहूं की बोरी को रख दो और ऐसे धक्का मारो, तो देखो थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है स्लाइड करने के लिए, और अगर तुम ऐसे खींचते हो तो तुम्हें कम फोर्स लगाना पड़ता है स्लाइड करवाने के लिए। एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तुम ऐसे खींचते हो ना तो जो नॉर्मल डायरेक्शन होता है थोड़ा सा घट जाता है, क्योंकि जब ऐसे खींचोगे तो ये फोर्स एम डायरेक्शन में जाएगा, तो एन प्लस इस फोर्स का कंपोनेंट एम जी को बैलेंस करेगा, तो एन ब्लॉक क्या होगा एम जी माइनस इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो एन घट गया। नॉर्मल रिएक्शन घटने की वजह से ये जो फ्रिक्शन फोर्स मैंने यहाँ लिखा था म्यू एस इंटू एन, ये घट गया। जब ये घटा तो ब्लॉक ईजिली स्लाइड कर गया। और अगर तुम ऐसे पोज कर रहे हो तो क्या होगा, जब ऐसे धक्का मारो तो ये एन बढ़ जाएगा। तो ऐसे भी है, अपना हाथ यहाँ रख दो और ऐसे धक्का मारो, देखो हाथ चिपक जाएगा। तो अगर ऐसे धक्का मारते हो तो एन बढ़ जाता है, एन बढ़ने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स उल्टी बढ़ जाती है। अगर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया उल्टा डायरेक्शन में तो ऐसे स्लाइड करवाना तुम्हें मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पुलिंग इज मोर इजियर कम्पेयर टू पुश। ओके, और यही अगर फॉर्मूला लिखोगे ना, जब तुम ऐसे ऐसे प्रेस करोगे तो पूरी वैल्यू बनेगी, लेकिन यहाँ पे पता है यहाँ पे माइनस एन आ जाएगा और नीचे जाएगा, और चूंकि नीचे माइनस साइन आ गया तो वैल्यू घट गई, तो पूरी वैल्यू क्या होगी बढ़ जाती है। तो पुश में क्या होता है, ये माइनस साइन आता है, ये पुल है इसमें प्लस आता है। मैंने इसे ये भी आपको समझा दिया, रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन जब जेई के अंदर आता है या बोर्ड के अंदर, बोर्ड कर रहा हूँ जेई के अंदर या मेंस के अंदर आता है, तो फॉर्मेट ऐसे ही होता पूछने का, थीटा जीरो पे मिनिमम कितना होना चाहिए, थीटा थीटा पे कितना होना चाहिए, या मिनिमम वैल्यू मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इतनी होती है, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे अगर लगा दिया जाए तो ब्लॉक कम फोर्स से स्लाइड कर जाएगा। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है मान लो एक ब्लॉक है इस तरीके से, ठीक है, और ये इंक्लाइन प्लेन है, रिपीट कर रहा हूँ, कई किताबों में लिखा होता है इंक्लाइन प्लेन, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ ये उसी के लिए नहीं, ये इंक्लाइन हो कर्व हो सबके लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये जर्नी की इंक्लाइन ही सरफेस हो तभी बताना, अभी मैं समराइज करूँगा कैसे होता है। एक ब्लॉक ऐसे है, मेरा हाथ ऐसे है, इंक्लाइन प्लेन है, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाता जाऊँ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ स्लोली, एकदम स्लोली स्लाइड कर दिया, तो जिस एंगल पे ये ब्लॉक स्लाइड किया वो एंगल इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। ओके, तो रिपीट कर रहा हूँ एंगल ऑफ रिपोज क्या है, किसी भी सरफेस का मिनिमम एंगल मेड बाई सरफेस विथ हॉरिजेंटल एट विच अ ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज ऑफ दैट सरफेस। मिनिमम एंगल, अंडरलाइन करो, मिनिमम एंगल मेड बाई अ सरफेस विथ हॉरिजेंटल एट विच अ ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। नॉर्मल डायरेक्शन में ऐसे दिखाएंगे, एम जी का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा ऐसे दिखाओगे, ये वाला एम जी कॉस थीटा ऐसे दिखाओगे, एंड फ्रिक्शन फोर्स पीछे दिखाओगे कितने का, एट ए टाइम ऑफ स्लाइडिंग इट इज म्यूएस इंटू एन, म्यूएस इंटू एन, तो एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा एंड म्यूएस इंटू एन एट टाइम ऑफ स्लाइडिंग, जस्ट टाइम ऑफ स्लाइडिंग पे जिस वक्त स्लाइड होने वाला होगा उस एंगल थीटा पे इस रिएक्शन का फोर्स बैलेंस कर दो, ये क्या बनेगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यूएस इंटू एन इक्वल्स टू जीरो, एम जी साइन थीटा माइनस म्यूएस एन इक्वल्स टू जीरो, इससे क्या आएगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यूएस इंटू एन। क्वेश्चन नंबर वन, इसमें फोर्स बैलेंस करो, ऊपर को एन है माइनस, ये किधर है नीचे को, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो,
एन उठा क्या रख दो, इससे क्या आएगा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एन, यहाँ से क्या आएगा एम जी कॉस उठा क्या रख दो, एम जी एम जी कट गया, कॉस इधर भेजो, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस, देन व्हाट इज थीटा, थीटा इज टेन इनवर्स म्यू एस। अब देखो एंगल ऑफ रिपोज में थीटा आर से रिप्रेजेंट कर दो, थीटा आर से, एंगल ऑफ रिपोज थीटा आर, थीटा आर याद करने के लिए सही रहेगा, थीटा आर। अब आपको ध्यान रखना एंगल ऑफ रिपोज इज टेन इनवर्स मीनस, और याद करो ये क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी था। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली है कि कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से कितना एंगल बना रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शन रिजल्टेंट है कॉन्टैक्ट फोर्स, ये वाला जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो ये मत कहना है कि देखो जिस वक्त तो सरफेस मतलब ये इसके कोइंसिडेंट बराबर है बट दोनों एक नहीं है, कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से एंगल है जबकि सरफेस का हॉरिजॉन्टल एंगल मिनिमम वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज है, रिपीट कर रहा हूँ दोनों डिफरेंट थिंग्स है बट वैल्यू बराबर आती है, वैल्यू बराबर आती है, अंडरलाइन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू और एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू एकदम इक्वल होती है। तो एंगल ऑफ रिपोज कोई क्या है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब इस पर मैं आपको बताता हूँ ठीक है, इसका यूज कहाँ पे है, इसका यूज है उसको आप अलग से ध्यान रखें, यहाँ पे मैं लिखा अंडर सेम फ्रिक्शन कोफिशियंट, फ्रिक्शन कोफिशियंट रिपीट कर रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडर सेम फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ मेनी ब्लॉक्स, मेनी या वन ब्लॉक्स, मेनी ऑब्लिक वन लिख लेना, मतलब अगर फ्रिक्शन कोफिशियंट इक्वल है, अगर फ्रिक्शन कोफिशियंट इक्वल है तो इंक्लाइन सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट हो या दो ऑब्जेक्ट हो यहां की लाइनें होल्ड करेंगी, इस तरह का है एक ब्लॉक हो या एक से ज्यादा ब्लॉक हो, ज्यादा ब्लॉक, ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, ब्लॉक थ्री, यहां का फ्रिक्शन कोफिशियंट मान लीजिए मीवस है, यहां का फ्रिक्शन कोफिशियंट मीवस है, मीवस तीनों जगह क्या है एकदम सेम, तीनों जगह एकदम सेम, लेट्स दिस एंगल इज इंक्लिनेशन एंगल थीटा। ये थ्योरी ध्यान रखना वायलेट कब है, जब तीनों ब्लॉक के नीचे फ्रिक्शन कोफिशियंट सेम है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो थ्योरी वायलेट नहीं है, तो फिर सोचना होगा कॉमन सेंस से, कॉमन सेंस नहीं क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि नेट फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा है कि नहीं, बताऊंगा अभी के लिए बस डर से। देखो केस वन, इफ थीटा इज, अगर ये थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा इज व्हाट, इट इज एंगल ऑफ रिपोज टेन इनवर्स मीनस, अगर इस इंक्लाइन का इंक्लिनेशन एंगल एंगल ऑफ रिपोज से कम है, मतलब ये जो ब्लॉक है ना इस एंगल पे स्लाइड किया था ना ऐसे, तो अगर इसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा आर वाला एंगल ये था, थीटा आर क्या है जब स्लाइड कर रहा है, ये एंगल थीटा आर है मिनिमम जब स्लाइड किया, अगर इस इंक्लाइन का एंगल ये एंगल ऐसे है, ये इंक्लिनेशन एंगल अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो होगा, दिख नहीं रहा है जीरो, भाग कहाँ रहा है, जीरो होगा, गॉट इट। तो अगर इस कंडीशन में है तब क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज जीरो, रिपीट कर रहा हूँ जीरो। दूसरा, इस केस में अगर कोई पूछता है, इस केस में अगर कोई पूछता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, इधर आप क्या दिखाएंगे एम जी साइन थीटा, यहाँ क्या दिखाएंगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक, स्टैटिक होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और वैल्यू किस बराबर होगी एम जी साइन थीटा के, क्यों होगी, क्योंकि जब ये ब्लॉक
नीचे तो भाग ही नहीं रहा है, तो कब संभव है? जब ये फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल होंगे। तो जब ये और ये इक्वल होंगे तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। गॉट इट? तो केस वन, इफ इंक्लिनेशन एंगल थीटा इज लेस देन टेन इनवर्स मीवर्स या एंगल ऑफ रिपोज, तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो एंड फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। केस टू, अच्छा इस केस में क्या होगा? इस केस में इस वाले ब्लॉक के नीचे का फ्रिक्शन फोर्स m1g sin थीटा, इस वाले ब्लॉक के नीचे का फ्रिक्शन फोर्स m2g sin थीटा, इस वाले ब्लॉक के नीचे का फ्रिक्शन फोर्स m3g sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगर इस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन थीटा आ रहा है, इस थीटा तो एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है। अच्छा इसमें एक चीज़ और जानना, किसी भी दो ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, मतलब एन वन टू भी जीरो होगा, एन टू थ्री भी जीरो होगा। इस केस में डाल एबीडी बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। केस सेकेंड, अगर थीटा थीटा से ज़्यादा है, मतलब ये इंक्लिनेशन एंगल एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हो गया, मतलब एंगल ऑफ रिपोज अगर इतना एंगल था तो आपने इससे ज़्यादा एंगल कर दिया, तब तो ऐसी बात है। अगर ये कंडीशन है तो एक्सेलरेशन नॉट जीरो होगा, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स बराबर एम ए, तो एम से एम कटेगा और ए की वैल्यू आएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू, और जब स्लाइड करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, तो म्यू के एम जी, एम से एम कट जाएगा ना, तो म्यू के जी साइन थीटा जाएगा एक्सेलरेशन दिस वन, और जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा इस केस में, जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा किसी भी ब्लॉक के नीचे, इस ब्लॉक के नीचे, वो होगा कितना? म्यू के एम जी, ये कॉस बनेगा, म्यू के एम जी कॉस थीटा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? म्यू एन एन एम जी कॉस थीटा। और नॉर्मल रिएक्शंस इन केसेस में जहाँ पे कॉन्टैक्ट हर सबके लिए फ्रिक्शन फोर्स बराबर है, ये सब जीरो आएंगे, ये जीरो आएंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखे रहेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज का हेल्प लेके क्वेश्चन सॉल्व करना। एंगल ऑफ रिपोज मैं ये सब समझ सकता हूँ आराम से कि ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा। गॉट इट? अगर ब्लॉक स्लाइड करता है तो इंक्लिनेशन एंगल रिपोज से ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन इतना आएगा, फ्रिक्शन फोर्स इतना होगा। ठीक है, इस केस में भी हर इस ब्लॉक के नीचे का फ्रिक्शन फोर्स म्यू के एम वन जी कॉस थीटा, इसके नीचे का म्यू के एम टू जी कॉस थीटा, इसके नीचे का म्यू के एम थ्री जी कॉस थीटा। गॉट इट? ध्यान रखो, ये केस वन, ये केस टू। चलिए एंगल ऑफ रिपोज पे बेस होकर एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक कर्व सरफेस है जिसका इक्वेशन है वाई बराबर एक्स स्क्वायर, पैरा बोला है। तो इस ब्लॉक को ओके, तो अभी तुमको लग भी रहा होगा यार कि जितना ये ब्लॉक कम हाइट पर रहेगा ना उतना ही कम स्लिप करेगा, लेकिन जितना तो ऊपर रखोगे उतना ही स्लिप करने का चांस है। क्यों? क्योंकि इसका कर्वेचर ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो स्लिप करो। जैसे मेरा ही ऐसा हाथ है, अगर ऐसे कर बना तो ऐसे कर, तो ब्लॉक को मैं यहाँ रखूँगा तब स्लाइड करेगा कि यहाँ रखूँगा तब स्लाइड करेगा? यहाँ रखूँगा, क्योंकि इंक्लिनेशन एंगल ना बढ़ता जा रहा है, मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल ऊपर जाते जाते बढ़ रहा है। तो मैक्सिमम कितने हाइट तक रख सकते हो ताकि ये ब्लॉक स्लाइड करे? ना करे, पता है कहाँ तक? ये इंक्लिनेशन एंगल जो होना चाहिए ना, इंक्लिनेशन एंगल, ये अगर थीटा है तो थीटा, जब तक थीटा आर से कम रहेगा, एंगल ऑफ रिपोज से कम रहेगा, ये इंक्लिनेशन एंगल होगा। एक तरफ से देखो तो एक तरफ से इंक्लिनेशन एंगल होगा, तो इंक्लिनेशन एंगल जब तक एंगल ऑफ रिपोज से कम रहेगा तब तक ये ब्लॉक इस पर क्या रहेगा? स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, ओके, दोनों साइड में थीटा ले लो। ठीक है, बनेगा टेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा, इट इज टेन थीटा। इक्वालिटी लगा ना मिनिमम के लिए, इक्वालिटी लगा दो मिनिमम के लिए, जब थीटा थीटा आर बराबर होगा तो स्लाइडिंग करने के कंडीशन पे आएगा, वही हाइट इसकी मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। तो दोनों तरफ टेन लिए तो बन गए, और जो टेन थीटा आर होता है वो कुछ और नहीं, मैं बता चुका हूँ, मीवर्स होता है। ये तो एंगल ऑफ रिपोज है थीटा आर, तो थीटा आर बराबर टेन इनवर्स मीवर्स, देन व्हाट इज टेन थीटा? तो थीटा आर इक्वल्स टू टेन इनवर्स मीवर्स, देन टेन थीटा आर बराबर मीवर्स,
तो टेन थीटा की वैल्यू माइनस हो गई। अच्छा टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा है इस कर्व का इस पॉइंट पे स्लोप, इस कर्व का इस पॉइंट पे स्लोप है टेन थीटा, तो टेन थीटा इससे स्लोप से आएगा। इट इज डिवाइड बाई एक्स, डिवाइड बाई एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दो। टेन थीटा स्लोप होता है, पढ़ा है मैथमेटिकल टूल में। यहाँ से क्या आएगा? टू एक्स इक्वल्स टू माइनस, अब म्यूएस क्वेश्चन में टू के बराबर है। अच्छा डिफॉल्ट केस में म्यू म्यूएस बराबर होगा, अगर म्यूएस को वैल्यू नहीं दिया गया है तो म्यूएस को ही म्यू मान लेंगे। इससे टू एक्स बराबर टू, एक्स इज वॉट वन, एक्स वन है मतलब ये जहाँ पे रखा गया होगा जिस मैक्सिमम हाइट पे उस हाइट का एक्स कोऑर्डिनेट ये दूरी क्या होनी चाहिए? वन के बराबर होनी चाहिए। तो ये दूरी वाई होगी ना, वाई वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है वन, उठा के यहाँ पर दो वन का स्क्वायर, दिस इज वन मीटर। इसका मतलब इस ब्लॉक को आप इस कर्व सरफेस पे मैक्सिमम वन मीटर के हाइट पे रख सकते हो, उससे ज़्यादा रख दिया तो ब्लॉक सेलेक्ट कर जाएगा। गॉट इट? ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व करना, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, स्पेशल क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10 केजी का ब्लॉक है 0.4, इसलिए मतलब बेसिकली तीन क्वेश्चन डील करेंगे, स्पेशल टाइप होंगे तो जैसे बताऊंगा आपको वैसे करना है। 10 केजी का ब्लॉक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4, 20 केजी का ब्लॉक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3, फोर्स एफ लगा हुआ है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, फर्स्ट केस इफ एफ इज 80 न्यूटन, सेकेंड केस एफ इज 120 न्यूटन, थर्ड केस फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग इफ एट वन ब्लॉक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन में अगर किसी एक ब्लॉक पे फ्रिक्शन लिमिटिंग है तो रस्सी का टेंशन बताइए। सॉल्व करते हैं, एक चीज़ है यार सॉल्व करना, क्या सोचा ही नहीं, एक ही चीज़ पॉसिबल है, एक नहीं दो चीज़ पॉसिबल है। इस एफ या तो ये दोनों ब्लॉक भागेंगे तो साथ भागेंगे या तो नहीं भागेंगे, यही तो पॉसिबल है। या तो दोनों ब्लॉक एक साथ भागेंगे या दोनों ब्लॉक रुके रहेंगे, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसी पॉसिबिलिटी पे काम करना होता है। तो इसके लिए जो अप्रोच यूज़ किया जाता है वो ये मैक्सिमम पुलिंग फोर्स, ये अप्रोच यूज़ करके मैक्सिमम पुल फोर्स। तो मैक्सिमम पुल फोर्स, पुल फोर्स का मतलब बताता हूँ क्या होता है। पुल का मतलब पुल फोर्स, भाई तुम इधर से खींच रहे हो कोई उधर से खींच रहा है तो इसमें से घटा दो, पुल पुल फोर्स होता है। तो यहाँ तो एक ही खींच रहा है, इधर एक ही खींच रहा है तो ठीक, पुल फोर्स इससे आएगा और अगर यहाँ लगाओ तो इससे आएगा, नीचे से नहीं आएगा। फ्रिक्शन को अपोजिंग की जैसा हम लोग ट्रीट करेंगे इस मेथड में। तो मैक्सिमम पुल फोर्स लिखेंगे, वो क्वेश्चन में पहले पार्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या है 80 लिखेंगे, 80 एफ 80 लिखेंगे। इसके बाद बात करेंगे मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स, मैक्सिमम अपोजिंग, मैंने ओपो लिख दिया, ओपो बट अपोजिंग फोर्स तुम लिख लेना, मैं थोड़ा सा आलसी हूँ तो ओपो लिख दिया। तो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स यहाँ का फ्रिक्शन आएगा, यहाँ का फ्रिक्शन, दोनों को ऐड करेंगे, किसी को माइनस नहीं करना, ऐड ऑन ऐड ऐड सिर्फ ऐड, ऐड का मतलब ऐड। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी, तो 0.3 60 इंटू जी, इससे आएगा 60। और यहाँ का एफ टू कितना आएगा? म्यू एम जी 0.4 इंटू 10 इंटू जी, दिस 40। तो मैक्सिमम ओपो फोर्स 60 प्लस 40, इट इज 100। ऑलवेज प्लस, रिपीट कर रहा हूँ, ऑलवेज प्लस। आप बात करेंगे मैक्सिमम पुल मैक्सिमम ओपो का, तो मैक्सिमम पुल 80 है, मैक्सिमम ओपो 100 है। तो अगर पुल फोर्स कम है ओपो से, रिपीट कर रहा हूँ, इस केस में एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा, क्योंकि अगर तुम खींच रहे हो 80 से और नीचे को 100 तक मिल सकता है तुमको ओपोज करने के लिए, तुम खींच ही नहीं पाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो पूछा था एक्सेलरेशन, आंसर इज जीरो। ये थोड़ी कि 100 ओपो कर रहा है तो 100 पीछे लगा दो और तुम लगाओ 80 ब्लॉक भागने ले पीछे, ऐसा होगा क्या कि तुम खींच रहे 80 से और ओपोजिंग मैक्सिमम लग जाए, मैक्सिमम ओपोजिंग 100 का लग जाए पीछे, तुम्हारे हाथ को छोड़ा कि पीछे भाग जाएगा, ये कहाँ होगा?
पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब होगा कि इस केस में जब तुम 80 का फोर्स लगाओगे तो इस ब्लॉक का फ्रिक्शन, इस ब्लॉक के फ्रिक्शन का जो एडिशन आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो 80 के ही बराबर आके इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जीरो कर देगा। हमेशा कंपेयर कूल और ओपन हो। इसका मतलब क्या पता है, मैक्सिमम ओपन का मतलब क्या है कि ये सरफेस मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है इस सिस्टम के मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है, इतना प्रोवाइड कर सकता है, इट नॉट मीन कि उतना दे ही देगा हर केस में। तो मैक्सिमम पुल इज 80 एंड मैक्सिमम ओपो इज 100, सिंस पुल इज लेस देन ओपो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। गॉट इट? सेकंड, एफ 180 है तो पुल की वैल्यू क्या आएगी? 180। पुल इज 120, केस टू सॉल्व कर रहा हूँ। ओपोजिट, ओपो तो वही रहेगा 100 का, आपकी बार जो पूल आया ना वो ओप्पो से ज़्यादा आ गया। इसका मतलब जो तुम खींच रहे हो वो 120 खींच रहे हो और ग्राउंड जो है वो मैक्सिमम 100 दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो सिस्टम भागेगा, एसोलेट करेगा आगे को, पूरा सिस्टम आगे को एसोलेट करेगा। तो आप क्या लिखेंगे? इस पूरे सिस्टम में FBD बना लो और सिस्टम आ लो इस तरीके से। तो सिस्टम मान लोगे तो यहाँ का टेंशन इंटरलिंक तरह से गायब हो जाएगा, सिर्फ ये फोर्स बचेगा। ये फोर्स कितना है? यही तो पुल है 120। तो 120 पुल माइनस ओपो 100, पुल माइनस ओपो, ये हमेशा होता है बराबर टोटल मास सिस्टम का 20 प्लस 10 30 इंटू इट। तो नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टोटल मास 30। यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ गई? 20/30, इट इज 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। ये मिल गया एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे टेंशन की। टेंशन निकाल सकते हो 20 kg ब्लॉक की वीडियो बनाओ या 10 kg ब्लॉक की वीडियो, बात एक ही है। 10 kg की वीडियो बना, मैं टेंशन टी आगे दिखाएंगे। टेंशन टी आ गया, फ्रिक्शन पीछे, फ्रिक्शन कितने का? 40 का। तो जब स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम पे काम करेगा या काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। एवरेज में लिखो तो टी माइनस 40 मास 10 इंटू एक्सेलरेशन क्या है? 2/3। एंड व्हाट इज टी? टी इज 40 प्लस 20/3। तो ये 120 प्लस 20 इट इज 140/3। इतना न्यूटन टेंशन है। हमने टेंशन कैलकुलेट कर लिया, मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया, मिल गया इस पार्ट का आंसर। इस पार्ट में कह रहा है फाइंड टेंशन स्ट्रिंग इफ एट वन ब्लॉक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम या लिमिटेड। अब इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि उसमें आपने एक्सेलरेशन निकाला था, टेंशन नहीं निकाला था। बताता हूँ क्या करेंगे। क्योंकि आपने पहले पार्ट में ये प्रूफ कर लिया था कि एक्सेलरेशन जीरो है, और जब भी एक्सेलरेशन जीरो होता है तो फ्रिक्शन स्टैटिक होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है। इसमें हुआ क्या होगा? ये जो 20 kg ब्लॉक है ना, ये फोर्स कितने का? 80 का। 80 का टेंशन टी इस तरीके से, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे पर आएगा क्योंकि जब इधर खींचेंगे तो फ्रिक्शन पीछे। और चूंकि लिमिटिंग कंडीशन है किसी एक ब्लॉक पे, तो कंफर्म होगा जब फोर्स तुम इसी पे लगा रहे हो तो लिमिटिंग भी इसी पे आएगा, क्योंकि जब तक ये स्लाइडिंग नहीं करेगा तब तक इस रस्सी में टेंशन जीरो रहेगा। अरे हाँ यार, वो तो वही काम हो गया कि तुम इधर खींच रहे हो, ये भाग ही नहीं रहा है, यहाँ का टेंशन आएगा नहीं। तो यहाँ पे जब फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग कंडीशन का होगा, और लिमिटिंग कंडीशन का फ्रिक्शन क्या है? 60 लिखेंगे, 60। इसलिए इस पर लिखेंगे नेट फोर्स जीरो। क्या लिखोगे? 80 माइनस टी माइनस 60 बराबर जीरो। जीरो क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो था। व्हाट विल बी टी? टी इज 20। यहाँ से क्या आएगा? टी इधर भेज दो, 80 माइनस 60 20 न्यूटन। तो टेंशन इज 20 न्यूटन। तो कोई पूछे कि रस्सी में टेंशन 20 न्यूटन, और कोई पूछे 10 kg ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन काम कर रहा है, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ दो, तो रस्सी का टेंशन टी आगे दिखाऊं एंड फ्रिक्शन फोर्स पीछे। चूंकि ये ब्लॉक भाग नहीं रहा है तो नेट फोर्स जीरो। तो टी माइनस एफ बराबर जीरो। टी बराबर क्या है? एफ। टी 20 है, 20 रखो, एफ इज 20 न्यूटन। इसका मतलब अगर कोई पूछे कि 20 kg ब्ल�क और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन, 20 kg ग्राउंड, तो आंसर इज 60। बट कोई पूछे कि 10 kg ब्लॉक और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन, आंसर 40 नहीं होगा, 20 है। आना ही चाहिए,
क्योंकि तभी तो पूल नेट पूल 80 आएगा। और नेट ओप्पो देखो यहाँ से, मैक्सी ओप्पो नहीं नेट ओप्पो, मैक्सी ओप्पो का मतलब कितना मैक्सिमम दे सकता है, ये 60 ये 20 दोनों मिलके 80 हो गया, तो पीछे 80 आगे 80, नेट एक्सेलरेशन 0। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ लिखिए, 0.3 है ना ये 10, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 30 दिखाएंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ का लिमिटिंग क्या दिखाएंगे F2, 0.4 था 20, 80। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले पूल दिखाएंगे, पूल क्या होगा F1 - F2, सिस्टम पे देखा जाता है F1 इधर है F2 इधर है, F1 - F2, F1 100 है F2 60 है, तो 100 - 60 इट इज 40। अब बात करें क्या ओप्पो, बट ओप्पो नहीं मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स ये 30 80 जोड़ दो 30 + 80 एंड दिस वैल्यू इज 110। अब मुझे बताओ कौन ज़्यादा है, पूल की ओप्पो, ऑफ कोर्स पूल इज लेस देन ओप्पो, 110 40, दिस मीन्स एक्सेलरेशन विल बी 0। हो गया। सेकेंड क्वेश्चन F1 300, तो पूल क्या आएगा, पूल F1 300 इधर और F2 120 इधर, तो 300 - 120 द वैल्यू इज 180। बट इज ओपो जो मैक्सिमम ओपो आ रहा है दिस इज 110, कौन ज़्यादा है पूल, पूल इज मोर देन ओपो, दिस मीन्स एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, क्या करेंगे इसे घटा दो, 180 - 110 बराबर टोटल मास सिस्टम का 30 × 8 बट इज 8, यहाँ से आएगा 70 7/3 एंड दिस इज आंसर। ओके ऐसे एक और क्वेश्चन कर ले, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 kg ब्लॉक है 10 kg ब्लॉक है, इस यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.1 है, यहाँ का 0.1 कह रहा है, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 1 है, यहाँ का 0.8 है, 53 degree 37 degree, मास 10 kg 20 kg, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फिर वही का पुल, पुल आप ऐसे लिखेंगे, इसका mg sin 53 degree और यहाँ का 10g sin 37 degree, तो ये इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है, ये वाला फोर्स इधर ये वाला इधर, तो पुल क्या होगा इसमें से घटा क्या, इस 20g sin 53 degree माइनस 10g sin 37 degree, अच्छा यहाँ से क्या आएगा 4/5 5 2 4 8 बनेगा 8 160 बनेगा, यहाँ से 3/5, तो ये कितना बनेगा 3/5 मतलब 3/5 तो 60 बनेगा ना, इट इज 100, पूल इज 100। अब पता करना है मैक्सिमम ओपो तो यहाँ से भी आएगा, यहाँ से आएगा मी एम जी कॉस थीटा, यहाँ से मी एम जी कॉस थीटा, यहाँ का म्यू क्या है 1 एम जी एंड कॉस थीटा क्या है 53 degree, ओपो हमेशा ऐड होता है, यहाँ से क्या आएगा एम म्यू म्यू एम जी कॉस 37 degree, मी एम जी कॉस होता है ना, मी एम जी कॉस थीटा होता है, आएगा 3/5 तो 6, यहाँ से क्या बनेगा 60, यहाँ से क्या आएगा 4/5 मतलब 8 64 बनेगा, यहाँ से ये कितना आ गया 4 12, ये 124 ओप्पो है और पूल क्या है 100, ओप्पो ज़्यादा हो गया ना इससे एक्सेलरेशन विल बी 0, आंसर इज 0। ओके तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको इसको ऐसे ही डील करना है, गॉट इट।